फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे समरसेबल मोटर ज्यादा एम्पियर क्यों लेती है, क्या रीजन होता है। और एक हमारे पास एक कंप्लेंट आई है समरसेबल मोटर की, उसमें क्या है कि लगभग 20 एम्पियर आ रहे हैं और उसमें पानी नहीं आ रहा है, एयर आ रही है। हालांकि जब उसको प्रेस करते हैं तो एयर हल्की सी आती है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। तो इसको हम साइड पर ही जाकर सही करेंगे, देखेंगे इसमें क्या कमी है, किस वजह से खराब है, मतलब किस वजह से इसका पानी नहीं आ रहा है, बुश खराब है, मोटर खराब है, या फिर इसका स्टार्टर खराब है। तो वहीं पर जाकर इसको प्रैक्टिकल सही करके आपको बताएंगे, और आपको बताएंगे ये कंडीशन क्यों होती है, ज़्यादा एम्पियर आते हैं और इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है, और इसको आप कैसे सही कर सकते हैं बिना किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाए, घर पर ही आसानी से कर पाएंगे, वो भी कम से कम खर्चे में। तो दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख रहे हैं हमारे पास ये 1.5 HP की मोटर है, हम इसका स्टार्टर ऑन करेंगे और आप यहां देखना एम्पियर, ये एम्पियर 20 पे आके रुक गया है। थोड़ा सा हम इसको ठपकारते हैं और देखते हैं सुई अटकी तो नहीं है, लेकिन सुई अटकी नहीं है। जैसे हम प्रेस कर रहे हैं तो एम्पियर थोड़े डाउन होते हैं, लेकिन जैसे ही बटन को छोड़ते हैं तो वापस चढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम देखने वाले हैं कि हो सकता है मोटर में एयर आ रही है लेकिन पानी इसका नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्टार्टर को खोलेंगे और चेक करेंगे इसकी वायरिंग वगैरह और इसके कैपेसिटर वगैरह। तो यहाँ पर हमने इसका स्टार्टर खोल लिया है और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि कैपेसिटर ओके हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसका जो रनिंग कैपेसिटर है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका MCB ऑफ़ कर देते हैं, यहाँ पर फेस आ रहा है, तो MCB जब हम ऑफ़ कर देंगे तो ये फेस कट हो जाएगा। करंट का आप ख्याल रखें, कभी भी स्टार्टर में हाथ लगाते हैं तो सबसे पहले फेस चेक कर लें, उसमें फेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा हो तो उसको हटा दें। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो स्टार्टिंग जो कैपेसिटर है टिपकोन का इसमें लगा हुआ है 72 MFD का, 1.5 HP की ये मोटर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कैपेसिटर को हटाकर इसमें नया लगाएंगे। तो यहाँ से मैं इसके वायर हटा दूंगा और इसमें दूसरा लगा दे दूंगा। तो यहाँ पर ये मैंने पुराना वाला हटा दिया, जो मेरे हाथ में ये पुराना वाला है, और वहाँ पर हमने दूसरा लगा दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, दो वायर हमने जहाँ से हटाए थे वैसे ही लगा दिए हैं, और ये 72 MFD का कैपेसिटर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा यहाँ पर चलाकर आपको चेक कराएंगे इसके एम्पियर कितने आते हैं। तो दोस्तों, ये रनिंग कैपेसिटर ख़राब होने से प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं इसके स्टार्टर दबाऊंगा, आप यहाँ देखें अब इसके 15 एम्पियर आ गए हैं, पहले 20 आ रहे थे और 15 एम्पियर आ गए हैं। तो इसका मतलब इसमें स्टार्टर ख़राब था जो हमने चेंज कर दिया मात्र 150 रुपये का, कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको बताया कि इसमें जो कैपेसिटर था रनिंग का, ये हमने चेंज किया है 72 MFD का, और ये 1.5 HP की मोटर थी, तो हमने इसमें कैपेसिटर चेंज किया है। क्योंकि रनिंग जब कैपेसिटर ख़राब होता है तो इसमें ये दिक्कत आती है कि एम्पियर थोड़े से बढ़ जाते हैं। अगर मोटर की वाइंडिंग ख़राब होगी तो एम्पियर और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर हो सकता है कि मोटर बहुत ज़्यादा फॉल्ट होती है तो उसके कई बार वायर जल जाते हैं, तो हो सकता है कम एम्पियर भी ले। लेकिन अधिकतर ये प्रॉब्लम आती है कि उसमें एयर आ रही है और आप उसको बटन को थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो उसकी सुई नीचे होती है, तो वो क्या है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर से चलती है तो उसके एम्पियर थोड़े कम होते हैं, जैसे आप छोड़ते हैं तो वापस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में ये रनिंग कैपेसिटर जो होता है ख़राब हो चुका है, उसको आप चेंज करें, उसके बाद आपकी जो समरसेबल मोटर है ओके हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लगभग 150 रुपये का आपको ये मिल जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं है, 72 MFD का है। और हो सकता है आपकी मोटर ज़्यादा HP है या कम HP है, तो उसमें हो सकता है 36 का लगे या 50 का लगे। तो इसमें एक सिंगल 72 MFD का लगा हुआ था जो हमने चेंज कर दिया, और उसके बाद इसकी प्रॉब्लम थी जो सोल्व हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।